आज का जो टॉपिक है क्लास टेंथ के लिए वो है क्लोरो एल्कली प्रोसेस। ये एसिड बेस एंड सॉल्ट जो चैप्टर है केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन में से एक है क्लोरो एल्कली प्रोसेस। ठीक है, ये आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ अ क्लोरो एल्कली प्रोसेस। सो देखिए, सबसे पहले क्लोरो एल्कली प्रोसेस है क्या। क्लोरो एल्कली प्रोसेस जो है वो एक प्रिपरेशन मेथड का नाम है, एक प्रिपरेशन मेथड है। क्लोरो एल्कली प्रोसेस एक प्रिपरेशन मेथड है, और किस चीज़ का प्रिपरेशन मेथड है, वो है आपका कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जिसे आप बोलते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो नेचर में कैसा होता है, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है एल्केलाइन सॉल्यूशन होता है। इतनी बात समझ में आया। अब इस क्लोरो एल्के प्रोसेस में होता क्या है, तो देखिए इस क्लोरो एल्कली प्रोसेस में होता क्या है कि आप NaCl का एक्वा सॉल्यूशन बनाते हो। क्या बनाते हो? NaCl का एक्वा सॉल्यूशन बनाते हो। NaCl का एक एक्वा सॉल्यूशन बनाया। जो एक्वा सॉल्यूशन होता है NaCl का, मतलब NaCl को पानी में डाल दिया वो सॉल्यूशन बना, उसको आप बोलते हो ब्राइन। क्या बोलते हो? ब्राइन। और इस ब्राइन का अब आपने क्या कराया? इलेक्ट्रोलिसिस कराया। इलेक्ट्रोलिसिस कराने का मतलब क्या है? मतलब इसके सॉल्यूशन में आपने क्या करा? करंट को फ्लो करवाया। क्या कराया? करंट को फ्लो कराया। और इलेक्ट्रोलिसिस जो रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कराई जाती है। क्या कराई जाती है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कराई जाती है। तो अब देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो बनेगा क्या? देखें हम इसे समझते हैं। एक सेल बनाते हैं। हम सबसे पहले आपने एक सेल बीकर लेना है। ठीक है, बीकर लिया और उसमें दो इलेक्ट्रॉन मेटल की रॉड जिसमें करंट फ्लो कर सकें। ठीक है, ग्रेफाइट ले लिया, प्लेटिनम की ले लिया इस तरीके से, और इसमें हमने बैटरी ज्वाइन अप कर दी इस तरीके से, पॉजिटिव या नेगेटिव। ओके, और इसमें आपने क्या भर दिया? इस कंटेनर में आपने जो सॉल्यूशन भरा है वो क्या भरा है? ब्राइन। ब्राइन मतलब नमक और पानी का सॉल्यूशन आपने भरा है। और आपको पता है NaCl जो है वो आयोनिक कंपाउंड है। जो क्या है? ये आयोनिक कंपाउंड है। और आयोनिक कंपाउंड जैसे ही पानी में जाता है वो क्या होता है? आयंस में टूट जाता है। मतलब पानी में जैसे जाएगा तो सॉल्यूशन में जो होगा वो Na+ होगा, Cl- होगा, और वाटर भी आयोनाइज होता है फॉर्म में अधिकतर, तो H+ फॉर्म में और OH- फॉर्म में। मतलब सॉल्यूशन में चार तरीके के आयन प्रेजेंट है आपके सॉल्यूशन में चार तरीके के आयन प्रेजेंट, NaCl, Cl- H+ और OH-। ठीक है, अब देखिए होगा क्या। अब क्या होगा? करंट इधर की तरफ फ्लो होगा, सो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो होंगे। मतलब इस रॉड में हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और इसमें हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये रॉड हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा देखिए, इस रॉड की तरफ कौन अट्रैक्ट करेगा? अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज वाले कौन है? Na+ और H+ है। पर साइज किसका छोटा है? Na+ का जो साइज है वो बड़ा है H+ से, जिससे इसकी जो मूविलिटी होगी वो क्या होगी? हाई होगी, जिस वजह से H+ जल्दी यहाँ पहुँच जाएगा और Na+ कहाँ रहेगा? इन सॉल्यूशन। ओके, और जैसे ही H+ यहाँ पहुँचेगा, H+ क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, मतलब रिडक्शन होगा यहाँ, और जैसे ही रिडक्शन होगा हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, इसे बैलेंस कर देंगे। ठीक है, अब इस पॉजिटिव की तरफ कौन होगा, कौन अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव वाले OH- और Cl-। इसमें से कौन किसका साइज छोटा है? OH- का जो साइज़ है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू Cl- के, जिस वजह से इसकी मूविलिटी क्या होगी? हाई होगी। सो ये जो क्लोरीन है वो अट्रैक्ट होगा यहाँ, और जो आपका OH है वो रहेगा सॉल्यूशन के अंदर। जैसे Cl यहाँ जाएगा, Cl-। सो देखिए, अब Cl- इस इलेक्ट्रोड में जाएगा तो यहाँ क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, टू इलेक्ट्रॉन लूज अप करेगा। सो देखिए, इस
इलेक्ट्रोड से Cl2 गैस पास होगी, लिबरेट होगी, रिलीज आउट होगी। इस इलेक्ट्रोड से आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट होगी और इस सॉल्यूशन में अब जो लेफ्ट रहेंगे वो दो आयंस लेफ्ट रहेंगे, एक Na+ और एक OH-। इस सॉल्यूशन में Na+ और OH- प्रेजेंट रहेंगे। सो आपका जो प्रोडक्ट बना है यहाँ, आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो आपका हुआ सॉल्यूशन में जो बना, आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो सॉल्यूशन बना वो NaOH का बना और यही आपको बनाना था कास्टिक सोडा, ठीक है। और इसका नेचर होता है एल्कली, ठीक है, सॉल्यूशन का नेचर होता है एल्कली। और दो एनोड है, उसमें से एक एनोड से हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट हुई और दूसरे से आपकी क्लोरीन गैस रिलीज आउट हुई। जिस इलेक्ट्रोड में रिडक्शन होता है उसको आप बोलते हो क्या, एनोड, नहीं कैथोड। ये जो हाइड्रोजन कहाँ से रिलीज हुई, कैथोड से, और ये हुई आपकी एनोड से, ओके। अब क्वेश्चन है कि इस रिएक्शन को क्लोरो एल्कली प्रोसेस क्यों बोला जाता है। तो इस रिएक्शन को क्लोरो एल्कली प्रोसेस इसलिए बोला जाता है कि इस प्रोसेस में दो शब्द हैं, क्लोरो का रिलेटेड है क्लोरीन गैस से और एल्कली का मतलब है बेस, ऐसा बेस जो वाटर सॉल्युबल हो। और यहाँ पर जो आप इस रिएक्शन में आपका NaOH बन रहा है जो वाटर में सॉल्युबल है, तो ये एल्कली नेचर का होता है इसलिए इसका एल्कली शब्द यूज़ हो रहा है। और क्लोरो इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन गैस रिलीज आउट हो रही है, इसलिए हम क्लोरो एल्कली प्रोसेस कहते हैं। सो आपका ये क्लोरो एल्कली प्रोसेस टॉपिक खत्म हो गया।